भाई रामविलास जी गुप्ता, डॉक्टर वंदना गुप्ता, श्री जी के सभी स्टाफ मेंबर्स व दोस्तों, कहते हैं कि जब बदरा आते हैं, जब बादल आते हैं, तो हर से पहले टूट कर जुड़ी किसी हड्डी में कसक होती है, दर्द होता है। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि बात वर्ष 1999 की है, जब इस शहर में एक अति प्रतिष्ठित संस्थान का शुभारंभ हुआ। नवंबर 1999 में इसी तरह का एक भव्य आयोजन और उसमें मात्र 150 विद्यार्थी और वो भी 6 या 7 स्टेट से उस टाइम पे हमारे यहाँ पे आए थे। उन बच्चों को छोड़ने के लिए, कॉलेज में छोड़ने के लिए, हॉस्टल में छोड़ने के लिए उनके अभिभावकगण, उनके रिश्तेदार बड़े उल्लास के साथ कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित थे। कितने सवाल, अनकहे सवाल उनकी आंखों में मैंने देखे जिनका मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं। लेकिन मैं जानता था कि उनकी आंखें मुझसे क्या सवाल पूछ रही हैं और मेरा क्या दायित्व बनता है। चार वर्ष बाद कॉलेज का रिजल्ट आया और उस बैच में करीब करीब हमारे यहाँ 150 बच्चे थे, जिसमें से आधे से ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट हुई। और यह सिलसिला दिन पे दिन चलता रहा और आज शहर के इस नामचीन इंस्टीट्यूट को, जिसका सौभाग्य बस मुझे फाउंडर चेयरमैन होने का सौभाग्य प्राप्त है, 5,000 के लगभग इंजीनियर्स आपके इस संस्थान ने बनाकर पूरी दुनिया को दिए हैं। बीएम इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपके शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। लगभग वही नज़ारा आज मुझे फिर देखने को मिल रहा है। अभी स्कूल को शुरू हुए 1 वर्ष हुआ है, अभी द्वितीय वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अनेक क्वेरीज, अनेक आशाएं, अनेक उम्मीदें पेरेंट्स को हमसे होंगी भी, हर होना लाजमी भी है। ठीक वो स्थिति जो 1999 थी आज भी मेरे सामने है। दोस्तों, आज मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि नया स्कूल है। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मेरी आदत नहीं है उस तरीके से बातें करने की। या तो जो है वो है, वो जो नहीं है वो नहीं है, और जब करके दिखाएंगे तो आप लोगों को भी नजर आएगा कि काम किया है। जब किसी चट्टान पर किसी आकृति का निर्माण किया जाता है, उसको उभारा जाता है, तो उस पर चलने वाली छीनियों की आवाज बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक। चाहे उसमें से रेत का कोई गिरज भर निकले या एक मुट्ठी भर, लेकिन मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। और मुझे लगता है आज का ये कार्यक्रम देखकर कि श्री जी परिवार के शिल्पीकारों ने आपके बच्चों की आकृति बनाने के लिए छेनी और हथौड़े उठा लिए हैं, ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपका प्यार, आपका विश्वास, ये उल्लास हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति,
श्री जी परिवार के प्रति, हमारे स्टाफ के प्रति इसी प्रकार बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। शिक्षा पे बोलने के लिए तो अनेक शिक्षाविद हमारे बीच में मौजूद हैं और बहुत सारी बातें आपसे हो भी चुकी हैं। मैं तो अपनी ओर से आप सभी को, सभी पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों को, सभी शहरवासियों को, सभी प्रांतवासियों को ये बात पूरे यकीन, भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि श्री जी का नाम एक दिन सोनीपत ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी दूर दूर तक जाएगा। मेरे महान गुरु डॉक्टर अशोक अग्रवाल यहाँ पर उपस्थित हैं। इस सभा में उनका जिक्र ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। बात है सन 2005 की, मैं इनका कार्यक्रम टीवी पे देखा करता था। ये बहुत काफ़ी सारे प्रोग्राम टीवी पे करते रहते हैं, पहले भी करते थे। टेलीफोन के माध्यम से इनका मेरा संपर्क हुआ, मैं इनको जाके दिल्ली में मिला, इनके ऑफिस में मिला और पहली मुलाकात में ही हम काफ़ी नज़दीक एक दूसरे के पहुंच गए। मेरा भी थोड़ा बहुत ज्योतिष में इंटरेस्ट था, इनसे चर्चा हुई और एक जिज्ञासा मेरे मन में हमेशा ये रहती थी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और गुरु जी ने मेरी जिज्ञासा को ऐसा शांत किया कि मुझे दोबारा ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तीन तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक कैटेगरी वो है जिसको हम तरण कहते हैं, तरण। दूसरी कैटेगरी, ये गुरुजी का ही मैं बताया हुआ वाक्य नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो तारण होते हैं, और एक और कैटेगरी है जिसको हम तरण तारण कहते हैं। मेरी जन्म कुंडली का गंभीरता से अध्ययन करने के बाद मेरा मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने मुझे समझाया कि कुछल साहब, दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं तरण, जो अपनी ज़िंदगी को निहायत निजी तरीके से जीते हैं। कभी उनसे बात करो, अपनी बात अपने तक सीमित, अपने दुख सुख इतने निजी के वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। बहुत बड़ी तादाद इस समाज में इस तरह के लोगों की आपको मिलेगी देखने को। एक और क्लास है इस समाज में लोगों की जिसको हम तारण कहते हैं, तारण, जिनका काम ही लोगों का कल्याण करना है, लोगों को तारना है। कम है इस तरह के लोग, लेकिन हैं, अभी देखने को मिल जाएंगे आपको। समाज वो कहा जाता है ना, प्राई शादी में अब्दुल्ला बिगाना, अब्दुल्ला दीवाना, जब देखो जन कल्याण की बात। वो भी एक स्थिति है आदमी की जीवन में। एक तीसरी किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, उनको हम तरन तारण बोलते हैं। गुरुद्वारा तरन तारण साहब पंजाब में है, मैं गया हूँ एक बार, मुझे सौभाग्य मिला है, आप भी होके आना कभी। उस क्लास के लोग ईश्वर के द्वारा या नियति के आज्ञा अनुसार जीवन में ऐसे कार्य करते हैं या कर बैठते हैं जिनमें उनका अपना भी कल्याण हो जाता है और साथ में समाज का भी कल्याण करते हैं। मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपना योगदान दे रहा है, तो वो जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं उनको उसमें ज़रूर गिनना चाहिए। देखिए व्यवसाय तो सब तरह के लोग कर ही रहे हैं, करते भी हैं, लेकिन जो सुकून आपको मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये तरन तारण वाली जो मैंने चर्चा की आपसे, पता नहीं यहाँ ये बात करनी जरूरी भी थी या नहीं थी, लेकिन गुरुजी बैठे हैं तो ये हो नहीं सकता कि मैं उनका जिक्र इस सभा में ना करूँ। उत्तम स्थिति है, मिडवे, उसको मिडवे कहते हैं।
ना बहुत इधर चलते ना इधर चलते, बीच का रास्ता निकाल कर चलते। गुरु जी के मार्गदर्शन से यह जीवन बना है, दिशा और दशा दोनों मिली है इनके आशीर्वाद से। इनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर, श्री जी परिवार पर, स्कूल पर इसी प्रकार बना रहे, इनका आशीर्वाद बरसता रहे, इस शहर के शिक्षाविदों की, बुद्धिजीवियों की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मैं शुभकामना आप सभी से चाहता हूँ। श्री जी परिवार के सदस्यों ने, खासतौर पर प्रिंसिपल मैम, हमारे टीचर्स तो मैं इनको बोलता ही नहीं, मैं तो इनको शिल्पीकार बोलता हूँ, शिल्पीकार हैं श्री जी कॉलेज। मैं तो कॉलेज में भी अपने टीचर्स को शिल्पीकार बोलता हूँ, इनका काम ही लोगों को उभारना है, आकृतियाँ उभारना है। ये टीचर नहीं हो सकते हैं तो शिल्पीकार है। सारा स्टाफ किस तरीके से यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं, कल कई सारे पेरेंट्स आए हुए थे मिलने के लिए, मैं भी यहाँ पे लेट गया था, कह रहे थे कितनी एनर्जी आपके यहाँ। किसी टीचर को आप देखिए, किसी के चेहरे पे कोई थकावट नहीं है। छोटे छोटे दो दो ढाई ढाई साल के बच्चे यहाँ रात को 9 बजे तक लगे हुए थे रिहर्सल करने में, कमाल का हो रहा, कमाल की एनर्जी। ये एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हो सकता दोस्तों, ये एक सामूहिक प्रयास है। बहुत बहुत बधाई के पात्र आप सभी की सेवा, इसी प्रकार ये बच्चे आपके करते रहें। मुझे इस परिवार का मुखिया होने का सौभाग्य प्राप्त है, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात मैं फिर एक बार आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तो धन्यवाद।